स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज के पार्ट 53 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे होता है। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल क्या है? एक लिविंग बीइंग दैट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। कोई भी एक इकलौता यानी इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, जो खुद फंक्शन कर सकता है, खुद एक्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी अ एनिमल, इट कैन बी एन एनिमल और इट कैन बी अ फंजाई और बैक्टीरिया, एनीथिंग। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, दैट इज इंडिविजुअल। ठीक है, ये होता है फर्स्ट। उसके बाद हम जब आते हैं, दैट इज पॉपुलेशन, ये होता है सेकंड। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम या लंबे टाइम के लिए ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, और मोस्टली ऑफ़ द सेम स्पीसीज। ये पॉपुलेशन क्या होती है? सेम स्पीसीज की होती है मोस्टली। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रॉपर एक ये पॉपुलेशन है, तो मतलब इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन हो सकती है। फैक्टर्स दैट मेक पॉपुलेशन ग्रो आर बर्थ एंड इमिग्रेशन। जिन दो फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, वो फैक्टर्स हैं बर्थ, अगर नए जन्म हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, क्यों बढ़ेगी अगर बर्थ होंगे, या इमिग्रेशन, दूसरी कंट्री के लोग अगर हमारी कंट्री में आएंगे, तो यहाँ की इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में इस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रो करती है बर्थ एंड इमिग्रेशन से। इसका मैंने डिटेल में कवर भी किया है, आपको 12th क्लास की इकोलॉजी की सीरीज में मिल जाएगा, वही जो मैंने पहले पढ़ाए हैं पार्ट्स, उनमें आपको मिलेगा ये। सेकंड है फैक्टर्स दैट मेक पॉपुलेशन डिक्रीज। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होती है, वो कौन से होते हैं? डेथ एंड एमिग्रेशन। यानी कि अगर एक जगह की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उस जगह पर डेथ हो रही है या फिर लोग वहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन ये होती है, और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कई सारे उसके। ठीक है, बर्थ, इमिग्रेशन, डेथ एंड एमिग्रेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। और पॉपुलेशन क्या होती है? ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में ऑक्यूपाई करके रहता है जगह को। ठीक है, नाउ कम्युनिटी। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटी क्या होती है। अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव बाय इटसेल्फ। अगर मैं बोलूँ एक स्पीसीज की पॉपुलेशन है, क्या वो अकेले सर्वाइव कर पाएगी? क्यों वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि हमेशा एक पॉपुलेशन या एक कोई भी ग्रुप होता है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, देर इज़ एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ या वन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अनदर, मतलब आपको एक फॉर्म ऑफ लाइफ की दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कम्युनिटी यही होती है, जब एक साथ क्या होता है, कई सारी पॉपुलेशंस वगैरह रहती हैं एंड दे कम्युनिकेट अमंग ईच अदर। नाउ एन एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर। एग्रीगेशन मतलब एक साथ रहती हैं जब पॉपुलेशंस अलग अलग स्पीसीज की और एक साथ रहती है, इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में हैविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो जिस एरिया में है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी जो उनको मिलेंगी। ठीक है, और वो क्या बनाती हैं? बायोटिक कम्युनिटी बना लेती हैं। समझ लीजिए, अलग अलग पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, और पर्टिकुलर मतलब एरिया को और इन्वायरमेंट कंडीशन में वो रह रही हैं, तो हम उसको कम्युनिटी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल इन अ पॉन्ड और लेक। अगर बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल है, या फिर बहुत सारी और स्पीसीज हैं पॉन्ड या लेक में, तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं, जबकि प्लांट और एनिमल एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में दूसरी बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। तो मतलब आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही हैं, या जहाँ वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे कम्युनिटी अलग है जो लेक के अंदर है, और जो फॉरेस्ट के अंदर कम्युनिटी है वो काफ़ी अलग है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी एनकम्पासेस मेनी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन दैट कंटिन्यू टू चेंज ओवर टाइम। कम्युनिटी इकोलॉजी एनकम्पासेस मेनी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, यानी कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे इंटरैक्शन देखने को मिलते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं।
अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अगर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी को मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो वो क्या है, प्लांट कम्युनिटी भी आएगी, सारे ट्रीज, बर्ड्स, स्क्विरल्स, डियर, फॉक्सेस, फंजाए, जो भी फिश है उस फॉरेस्ट के अंदर, स्ट्रीम, इंसेक्ट, ये सारी स्पीसीज क्या करेंगे, ये आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं. और हाँ, ये भी चांसेस हैं कि ये सीजनली माइग्रेट करेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिटी. ठीक है, हमने तीन लेवल पर पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. इकोलॉजी सीरीज के सारे पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वहां पे आपको सारे पार्ट मिलेंगे, जो भी आज तक कवर हुआ है इकोलॉजी में आप वहां पे देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.